नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम मुद्दे की बात में। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज हम मुद्दा उठाते हैं छतरपुर में दद्दा जी का आगमन है और आज शिक्षक दिवस भी है। काफ़ी श्रद्धालु भी यहां पर हैं और कुछ शिष्य भी यहां पर हैं। आखिरकार क्या प्रेरणा मिलती है शिक्षक दिवस पर, दद्दा जी के इस आगमन पर, इस कार्यक्रम पर जनता के क्या विचार, आइए इस मुद्दे को लेकर चलते हैं, पूछ लेते हैं। देखिएगा कि दद्दा जी के चरण जैसे ही छतरपुर में पड़े हैं और ये शंकर जी बन रहे हैं, आप देखिएगा जो बारिश रुकी हुई है वो बारिश फिर से पुनः होगी छतरपुर में, और आज खेल ग्राम में अयोध्या की तरह लग रहा है। शिक्षक दिवस पे ये है कि अपने गुरु का आदर करें और अपने माता पिता का आदर करें। माता पिता ही गुरु हैं और गुरु तो है ही है। लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अयोध्या और मथुरा यहीं सिमट के आ चुकी हो। दद्दा जी का बहुत अच्छा है, कार्यक्रम अच्छा है। दद्दा जी के काम और दद्दा जी के विचारों से सहमत हैं और दद्दा जी के बताए हुए रास्ते पर सभी लोगों को चलना चाहिए और इस धर्म के कार्य में सभी लोगों को अच्छा सहयोग करना चाहिए। अच्छा दिन है, आज दो दो तीन तीन पल है दद्दा जी के आगमन से। एक तो लोगों को भक्ति करने का पूरा मौका मिल रहा है, भगवान से कामना करते हैं कि पानी गिरे। दूसरी बात, शिक्षाओं में शिक्षा दिवस के कारण पूर्व शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, ये की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही बच्चों का भविष्य और लोगों का भविष्य सुधरता है। इसलिए हम कामना करते हैं ये का नाम उनके शंकर जी बनाने से और सब लोगों की आस्था से पानी गिरे। मानते हैं कि आए हैं, बारिश जरूर होगी, और एक तो सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि अपने यहाँ से चारों धाम की यात्रा शुरू हो रही है दद्दा जी की। सबसे बड़ी हर्ष की बात यह है, कम से कम 100 गाड़ियों का काफला लेके दद्दा जी यहाँ से निकल रहे हैं चारों धाम। दद्दा जी भी शिक्षक के रूप में रहे हैं और आज शिक्षक दिवस है, तो यह हमारे लिए दद्दा शिष्य मंडल के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि शिक्षक दिवस पर हम अपने गुरु जैसे शिक्षक को पाकर हम धन्य हो गए। शिक्षक पढ़ाते हैं, उनसे भी शिक्षाएं मिलती हैं। माता पिता तो सिर्फ जन्म देते हैं हमें, लेकिन गुरु जो होते हैं वो हमें आगे की प्रेरणा देते हैं, हमें आगे की रास्ता दिखाते हैं कि हम ये करना चाहिए। माता पिता भी होते हैं, लेकिन गुरु का आदर करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। सर्वप्रथम माता पिता का आदर करना चाहिए शायद, मेरा मानना है कि माता पिता जन्म देते हैं और फिर गुरु आगे चल के अपन को प्रेरणा देते हैं। शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्रेरणा यहाँ से लेके आनंद से यहाँ से लेके आगे तक बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लाख उपाय, भले हारी गुरु आप हैं गोविंद दियो बता। तो यदि गुरु ना होते तो हमें गोविंद का मार्ग पता ना चलता। आज गुरु ने उनसे हमारा मार्ग और परमात्मा दोनों हमारा सुधार हो रहा है। तो गुरु का होना, माता पिता हैं अपने, गुरु का होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। वास्तव में जैसे हमारे भारतवर्ष में पृथ्वी माँ, गंगा माँ, गौ माँ इत्यादि विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, उसी तरह हमारे भारतवर्ष में गुरुओं के भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। और उन गुरुओं में सर्वप्रथम जो गुरु है वो शिक्षक है, जो वास्तव में एक तरह से उस शिक्षक को हम डाठी कहेंगे कि जो वास्तव में किसी से चलते नहीं बनता, हम और आपसे बालक बन ले, तो शिक्षा की डाँटी दे करके हमें भारतीय संस्कृति सभ्यता और उसे परिचय कराया। परिवार के साथ माता के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, वो समाज के प्रति अपनी सहिष्णुता कैसी होना चाहिए, राष्ट्र की प्रतिरक्षा के लिए हमारा भाव कैसा होना चाहिए, ये सब हमें शिक्षकों से उपलब्ध होता है। परम पूज्य दद्दा जी की कृपा छतरपुर नगर पर, छतरपुर शहर पर, हम सभी दद्दा शिष्य मंडल के शिष्यों पर जिस प्रकार है, मैं ये उम्मीद करूँगा कि जीवन पर्यंत दद्दा जी की कृपा अपने शिष्य मंडल के ऊपर सदैव बनी रहेगी। परम पूज्य दद्दा जी आज खेल ग्राम में शिक्षक दिवस के अवसर पर जो
उनका आज अवतरण दिवस भी है दद्दा जी का। हमें सौभाग्य मिला शिक्षकों को सम्मान करने का, दद्दा जी के अवतरण दिवस पर उनके जन्मोत्सव को मनाने का। हम सब शिष्टमंडल, मैं स्वयं बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। दद्दा जी का जन्मोत्सव यहाँ खेल ग्राम प्रांगण में मनाया गया, जी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे लिए नहीं छतरपुर जिले के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और दूसरा यहाँ पे शिक्षकों का सम्मान किया, ये भी बहुत अच्छा लगा कि 5 सितंबर था दद्दा जी के जन्मदिन के साथ साथ यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान हुआ, ये भी हमारे जिले के लिए बहुत अच्छा गौरवपूर्ण कार्य हुआ है। टीचर डे मनाना चाहिए क्योंकि बच्चे आजकल टीचरों का सम्मान नहीं करते, इसलिए उन्हें टीचर डे पर ये बताना चाहिए कि टीचर मान के सम्मान होते हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। क्या प्रेरणा मिलती है आपको यहाँ पर आकर के शिक्षक दिवस है आज, गुरु का कैसे सम्मान करना चाहिए, शिक्षक दिवस पे क्या कहेंगे? आज हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से 5 सितंबर है इस मुद्दे को लेकर गए कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो शिष्य आए हुए हैं दद्दा जी के आगमन को लेकर यहाँ पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, तो जनता के बीच में रहकर सर हमने मुद्दे को रखा है कि क्या कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं शिक्षक दिवस पर, जनता की तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया है जिस प्रोग्राम के माध्यम से आपको देखने के लिए मिली होगी। हमसे जुड़े रहिए, हम इसी तरह के मुद्दे और जनता की जागरूकता के मुद्दे और समाज से जुड़े मुद्दे भी आपको उठाते रहेंगे और जनता को जागरूक करते रहेंगे।